मैक्स ग्रुप का भी नाम ले रहे थे मोहित कि वहां ऑक्सीजन कम है। अब मैक्स ग्रुप के अस्पतालों में नए एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। देखिए अब ये बहुत बड़ी चिंता वाली खबर है, दिल्ली में चिंता बढ़ाने वाली खबर। दिल्ली के मैक्स ग्रुप के अस्पतालों में नए एडमिशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। कुमार, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, मैक्स नए पैसेंजर्स को, माफ़ी चाहूँगा, मैक्स नए पेशेंट्स को नहीं ले रहा है। आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि दो तीन तरह के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, माइल्ड, मॉडरेट और फिर सीवियर। सीवियर जो पेशेंट होते हैं उनमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और हाई फ्लो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होती है। जिस तरीके से ऑक्सीजन की स्थिति बनती जा रही है, ये एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दौड़ के आएगा और ऑक्सीजन का सिलेंडर देगा, उसके बाद फिर लोगों की जान बचेगी। इस स्थिति से बचने के लिए मैक्स जो है फिलहाल नए ऐसे मरीजों का दाखिला नहीं ले रहा है जिनको हाई फ्लो या बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। जो माइल्ड और मॉडरेट है उन्हीं का दाखिला ले रहा है। कोई इलाज नहीं है, या किसी भी अस्पताल की इस दिक्कत को समझा जा सकता है कि वो अपने जो मरीज हैं उनका ख्याल रख रहे हैं जो वहां भर्ती हैं, लेकिन ये तो कोई सलूशन नहीं है। क्या जरूरत नहीं है कि यहां पर सरकार बीच में आए और कुछ ऐसा प्रबंध करे कि जिनको वाकई जरूरत है उनकी भी तो मदद हो? वो तीमारदार अपने मरीज को कहां लेकर जाएगा जिसकी हालत बिगड़ रही है? देखिए, कागजों पर केंद्र सरकार ये कह रही है कि ऑक्सीजन टैंकर को कोई कहीं नहीं रोकेगा, लेकिन हकीकत की कहानी, गौरव, ये हो रही है कि जिन राज्यों में ऑक्सीजन के प्लांट हैं वहां से अगर ट्रक निकल भी, एक तो उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, और अगर वो निकल भी रहे हैं तो सुरक्षित संबंधित राज्य तक पहुंचेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल दिल्ली में हमने स्थिति देखी, हरियाणा से ऑक्सीजन के टैंकर नहीं आ पा रहे थे, अरविंद केजरीवाल को मनोहर लाल खट्टर से बात करनी पड़ी। यही हाल दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद इलाके से दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को लेकर था, और ये स्थिति दिल्ली या साहिबाबाद या पानीपत की नहीं है, देश के दूसरे राज्यों को भी यही स्थिति है। सबको ऐसा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन दबाव डालता है कि आप जो ड्राइवर हैं या जो उस टैंकर के साथ लोग हैं उनको कहते हैं कि तुम इस टैंकर को लेकर नहीं आगे जाओगे, तो फिर सोल्यूशन क्या है इसका? गर्ग साहब, ये तो बहुत अजीब सी स्थिति है। अस्पताल मना कर दे कि मरीज को नहीं भर्ती करेंगे। सर देखिए, अस्पताल अगर डॉक्टर की वजह से फेलियर है तब अस्पताल को हम बोलेंगे कि हॉस्पिटल का कहीं रोल है, लेकिन अगर मेरे भर्ती मरीज जो मैंने भर्ती किए उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उनकी लाइफ अगर मैं सिक्योर नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे मरीज को जिसको 10, 12, 15 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, अगर उनको मैं और भर्ती करूंगा तो जो भर्ती लोग हैं उनके साथ क्या होगा? नहीं, मैं तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ पर अस्पतालों को सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं, लेकिन ये जीवन और मृत्यु का सवाल है, तो आपको लगता नहीं कि यहाँ पर कुछ ऐसा इंतजाम इन लोगों के लिए भी होना चाहिए? सर, मैं अपने यहाँ पे कैजुअलिटी में लिटा लिटा के दो दो तीन तीन घंटे चार चार घंटे मरीजों को ऑक्सीजन दे रहा हूँ, जब तक उनके हॉस्पिटल का कहीं एडमिशन का इंतजाम नहीं हो रहा। और मैं मानता हूं कि हर आदमी ये करने की कोशिश कर रहा है। अल्टीमेटली अगर एक डॉक्टर को जो इस तरह के अरेंजमेंट्स के अंदर अगर अपना टाइम बर्बाद करना पड़ेगा तो वो अपने मरीजों का ध्यान कैसे रखेगा, ये हम लोगों को बैठ के सोचना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि एक टीम बनाई जाए जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और जो डॉक्टर्स हैं उन वो बैठ के एक डिसीजन ले कि कहाँ पे किस चीज की ज्यादा जरूरत है। चीज बहुत ज्यादा बिगड़ रही है और सरकार को अब तुरंत इस मामले में आगे आना चाहिए। सरकारें कर भी रही हैं, लेकिन ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।